जय श्री महाकाल साथियों, आज दोपहर से लगातार सभी समाचार खबरों में और सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि मेरे पिताजी पूर्व सांसद प्रेमचंद रुड्डी जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। मैं आप सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है, एकदम सही है। उनका फोन भी चालू है, लगातार वो सबसे बात भी कर रहे हैं। और जैसा कि बोला गया था, मैं आज आप लोग के बीच में भी इसलिए आया हूँ कि आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे कोरोना की, हमारे पूरे परिवार की कोरोना की रिपोर्ट आई है और सभी की रिपोर्ट्स मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। ये रिपोर्ट मेरे माँ की है जो कि नेगेटिव आई है, ये मेरी रिपोर्ट है, ये भी कोरोना नेगेटिव है, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है, ये भी कोरोना नेगेटिव है, ये मेरी बेटी की रिपोर्ट है, ये भी कोरोना नेगेटिव है, और साथ में ये मेरी बड़ी बेटी की रिपोर्ट है, ये भी कोरोना नेगेटिव है। और मेरी वाइफ की रिपोर्ट है, ये भी कोरोना नेगेटिव है। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूं कि किसी को किसी तरीके से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी को केवल इतना बोला गया था कि आपको 4 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक हमारा कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो केवल इतने से एक डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई है कि आप 4 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होइए। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से, मेरे भाई बंधुओं से बोलना चाहता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं, सब एकदम ठीक है, हम सब आपके बीच में है, सब एकदम स्वस्थ है। आज ये जिस तरीके से लगातार सब चीजें चल रही है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि आज हमारे परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ है और कोरोना से मुक्त है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं आप लोग से बोलना चाह रहा हूं कि ये जो शिवलिंग का कार्य हम कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग, जितने भी कार्यकर्ता है, हर गांव में हर कार्यकर्ता हमारे परिवार का सदस्य है। अगर जो काम, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो हमारे गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, सब लोग, आप सबके अंदर प्रेमचंद गड्डू स्वयं है, हमारा परिवार का आप लोग हिस्सा है। इसलिए शिवलिंग वितरण का कार्य आप लगातार इसी तरीके से जारी रखिए और शिव जी, जो हमारे धर्म प्रेमी जनता है जो इस बार अभिषेक नहीं कर पा रही है शिव जी का, महाकाल का ओंकारेश्वर में जाके नहीं कर पा रही है, तो उनको ये अवसर जो मिल रहा है और आप लोग के हाथों से घर घर जो शिवलिंग जा रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का कार्य हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको इसी तरीके से और किसी भी तरीके के भ्रम में आप लोग ना आए, क्योंकि बाबा महाकाल हमारे साथ में है, बाबा महाकाल हमारे साथ में हमारे पे आशीर्वाद बना के रखेगा और इसी तरीके से, और बाबा महाकाल चाहते हैं कि हमारे को जो आने वाले समय में लड़ाई लड़नी है वो कोरोना से तो लड़नी है, लेकिन हमारे को लड़ाई उन लोगों से भी लड़नी है जिन लोगों की वजह से आज गांव-गांव, शहर-शहर में कोरोना फैला है। उन लोगों से लड़नी है जो अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के लिए आप लोग को बीच मझधार में छोड़ के गए थे। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा और इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। किसी भी तरीके की कोई अफवाह में ना आए, किसी भी तरीके की कोई बातों में ना आए, हम सब स्वस्थ हैं, मेरे पिताजी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। केवल और केवल 4 दिन का होम क्वारंटाइन का बोला गया था, इसलिए इस तरीके से जो आज दिन भर में हवाएं चली है, तो वो उस वजह से रात लोग के बीच में आज मेरे को शाम को 6 बजे आना पड़ा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे परिवार के साथ में है, आप सब लोगों की दुआएं और कार्यकर्ताओं का प्यार हमारे साथ में है, सब कुछ ठीक रहेगा, सब स्वस्थ है। जय श्री महाकाल।